मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 18 मार्च 2024 सोमवार का दिन और हिंदू तिथि फाल्गुन माह की नवमी है। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। देखिए सबसे पहले तो आपको बता दूं, देश में पहले लोकसभा चुनाव 68 चरणों में हुए थे, जिसकी शुरुआत 25 अक्टूबर 1951 में हुई थी और यह 21 फरवरी 1952 को जाकर खत्म हुए थे 7 दशकों के बाद। अब 2024 का आम चुनाव सबसे लंबा होने वाला है। चुनाव की शुरुआत 19 अप्रैल से होगी और 4 जून को नतीजे आएंगे। वैसे आपको बता दूं, जून तक चुनाव करवाने की दो प्रमुख वजह है कि इसमें पहली वजह चुनाव के ऐलान में 6 दिन की देरी और दूसरी मार्च अप्रैल में खूब सारे त्योहार है, इसी वजह से अब की बार चुनाव काफी लंबे चलेंगे। आगे बढ़ेंगे राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान में नहरबंदी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान में प्रस्तावित नहरबंदी स्थगित हो गई है। इंदिरा गांधी नहर में इस बार नहरबंदी नहीं होगी। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर यह है, सरकार के इस फैसले से पश्चिमी राजस्थान के 8 जिलों को जल संकट से निजात मिलेगी। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर में जल संकट से बड़ी राहत मिलेगी और किसानों को भी सिंचाई के लिए पानी मिलता रहेगा। दरअसल आपको बता दूं, 20 मार्च से 19 अप्रैल तक नहरबंदी प्रस्तावित थी। राज्य के जल मंत्री कन्हैया लाल ने इसको लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि पहले हम जनता के लिए पेयजल की व्यवस्था करेंगे, उसके बाद नहरबंदी पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल राहत भरी खबर यह है, अभी नहरबंदी नहीं होगी, जिससे पश्चिमी राजस्थान के 8 जिलों को पानी की समस्या से निजात मिलेगा। आगे बढ़ जाते हैं एक और बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजस्थान की राजनीति में उठापटक जारी है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता अब हाथ का साथ छोड़कर कमल का फूल थाम रहे हैं। वहीं रविंद्र सिंह भाटी ने लोकसभा चुनाव की बात करते हुए कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। वहीं बीजेपी के 25 सीटों के दावों पर चुप्पी साध ली। ऐसे में राजनीति के जानकारों का कहना है कि रविंद्र सिंह भाटी का अभी भी बीजेपी से मोह भंग नहीं हुआ है। अब देखना होगा भाटी एक बार फिर लोकसभा चुनाव में निर्दलीय ताल ठोकते हैं या फिर बीजेपी में शामिल होते हैं। फिर आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से एक और बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के बाद अलर्ट मोड पर आई पुलिस ने दौसा में बड़ी कार्रवाई की है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही दौसा की महुआ पुलिस ने एक बस में 1 क्विंटल से ज्यादा चांदी बरामद की है। हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि बस में किसी भी यात्री या बस स्टाफ ने इसका मालिक होने से इनकार कर दिया। इस पर पुलिस ने इस चांदी को जब्त कर लिया है। जब्त की गई चांदी का बाजार मूल्य 71 लाख रुपए बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। पीएम सूर्य घर योजना गरीबों के लिए बेहद फायदेमंद है। इस योजना के तहत सरकार की ओर से आपके घर की छत पर या खेत में जहां उचित लगे सोलर पैनल लगाया जाएगा। इसके जरिए आपको 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी। अच्छा, कई भाइयों ने कमेंट किया था कि पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन कैसे करें। देखिए आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। PM Surya Ghar.gov.in पर आपको विजिट करना होगा, लेकिन याद रहे आधिकारिक वेबसाइट होनी चाहिए, क्योंकि आपको पूरी जानकारी वहां पर देनी होगी। जैसे ही आप PM Surya Ghar.gov.in पर विजिट करेंगे, उसके बाद आपको स्क्रीन पर अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर के विकल्प को चुनना होगा। इसके बाद आपको अपने राज्य और बिजली वितरण कंपनी के नाम का चयन करना होगा। इस प्रक्रिया को करने के बाद आपको अपने बिजली उपभोक्ता नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी दर्ज करनी होगी। इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन होगा। यहां आपको कंज्यूमर नंबर, मोबाइल नंबर दर्ज करने होंगे। इसके बाद एक फॉर्म खुलेगा। यहां आपको सभी दिशा निर्देशों को फॉलो करते हुए रूफटॉप सोलर पैनल स्कीम में आवेदन करना होगा, यानी कि सारी जानकारियां आपको भरनी होगी। इसके बाद आपको फिजिबिलिटी अप्रूवल मिलेगा। अप्रूवल मिलने के बाद आप डिस्कॉम में रजिस्टर्ड किसी भी वेंडर से सोलर प्लांट को अपनी छत पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। बाकी आप पीएम सूर्य घर योजना के लिए नजदीकी ई मित्र पर जाकर भी आवेदन करवा सकते हैं, क्योंकि आपके लिए आसान रहेगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में होली नजदीक आने के साथ ही तापमान बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में तापमान में 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं कुछ स्थानों पर हल्के बादल भी छाए रहे। वैसे मौसम विभाग का कहना है कि इन बादलों से ज्यादा डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगले 4-5 दिनों तक प्रदेश का मौसम साफ रहेगा।
क्योंकि राजस्थान के ऊपर फिलहाल कोई भी ऐसा वेदर सिस्टम नहीं है जो मौसम को बिगाड़ सके, लेकिन तापमान में लगातार बढ़ोतरी होगी। अगले 4-5 दिनों तक प्रदेश का मौसम साफ रहेगा, हालांकि कुछ स्थानों पर हल्के फुल्के बादल छाए रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए। भले ही राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के भाव में कमी आ गई है, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में अभी भी एक प्रदेश एक रेट का फार्मूला लागू नहीं हुआ है। आप इस कदर समझ सकते हैं, जैसलमेर सिरोही बीकानेर की तुलना में भरतपुर में पेट्रोल 2 रुपए सस्ता है, यानी कि अभी भी राजस्थान के भरतपुर में सबसे सस्ता पेट्रोल है और बीकानेर सिरोही जैसलमेर में सबसे महंगा फ्यूल बिक रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में वेट और रेट में दोनों में कमी की थी और कहा था कि प्रदेश के सभी जिलों में पेट्रोल डीजल एक भाव मिलेगा, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में अभी भी एक प्रदेश और एक रेट का फार्मूला लागू नहीं हो पाया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से एक और बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी हलचलें तेज हो गई है। मेवाड़ वागड़ अंचल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को टक्कर देने वाली भारतीय आदिवासी पार्टी ने अब राजस्थान समेत देश के 7 राज्यों में लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही पार्टी पदाधिकारियों ने जयपुर में बैठक कर विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं लोकसभा के दोनों उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। आपको बता दूं, उदयपुर लोकसभा सीट से प्रकाश चंद्र बुज को उम्मीदवार बनाया है। डूंगरपुर बांसवाड़ा से राजकुमार रोत के नाम की घोषणा पहले ही हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। सीकर में चल रहे बाबा खाटू श्याम का मेला परवान पर है। रविवार को मेले के 7वें दिन भक्तों का जवार उमड़ पड़ा। आपको बता दूं, मुख्य मेला 20 मार्च को होगा, इसके लिए अभी से भीड़ जुटने लग गई है। राजस्थान के अलावा बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए हरियाणा और दिल्ली से काफी तादाद में श्रद्धालु सीकर पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से एक और बड़ी खबर। गत वर्ष जीरा और सौंप जैसे जिन्सों के ऊंचे भाव किसानों को मिले थे, वैसे ही भाव इस वर्ष भी मिलेंगे। यह सोचकर किसानों ने कई गुना अधिक रबी की उपज के रूप में सौंप और जीरे की बुआई कर डाली। मौसम अनुकूल रहने से इस बार उपज भी बंपर हुई, लेकिन इस उपज को अब जब किसान मंडी लेकर पहुँच रहा है तो उन्हें गत वर्ष के भाव से आधे भाव भी नहीं मिल पा रहे हैं। इससे किसानों में निराशा है। उधर व्यापारियों की यह है कि जीरा और सौंप जैसे जिन्स का निर्यात रुक जाने को लेकर व्यापारी भी खरीद में कम रुचि ले रहे हैं। दरअसल आपको याद होगा, गत वर्ष मंडी में जीरा 72,000 रुपए प्रति क्विंटल की नीलामी पर बिका और सौंप 45,000 रुपए, रायड़ा 5,500 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका था, लेकिन इस बार अच्छी से अच्छी क्वालिटी का जीरा भी 34,000 से ऊपर बिक नहीं रहा है। सौंप भी 20,000 रुपए प्रति क्विंटल और रायड़ा 4,700 तक ही बिक रहा है। राजस्थान में ही नहीं बल्कि गुजरात की ऊंझा मंडी के एक बड़े व्यापारी ने बताया कि यही हाल गुजरात में है, यानी कि जीरे की लगभग यही स्थिति है और नई सूखी सौंप वहां पर 120 रुपए से 220 रुपए प्रति किलो के भाव चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से एक और बड़ी खबर। कांग्रेस नेता अमीन पठान को कोटा पुलिस ने राजकार्य में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार किया है। शनिवार को कांग्रेस नेता व उसकी पत्नी सहित अन्य लोगों को वन विभाग की टीम से अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज कर राजकार्य में बाधा उत्पन्न की। इस पर संयुक्त टीम की ओर से अनंतपुरा थाने में अमीन पठान व उनकी पत्नी रजिया बेगम सहित 7 से 8 अन्य लोगों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया गया। आगे बढ़ते हैं, देश की एक और बड़ी खबर। नोएडा पुलिस ने रविवार 17 मार्च को यूट्यूबर एल्विस यादव को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद पुलिस एल्विस को लेकर शाम करीब 4 बजे ग्रेटर नोएडा की सूरजपुरा कोर्ट पहुंची। दरअसल आपको बता दूं, यूट्यूबर और बिग बॉस OTT2 विजेता एल्विस यादव को सांपों के जहर सप्लाई के मामले में रविवार 17 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे कोर्ट में पेश कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा समाप्त हो गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर मुंबई में राहुल गांधी ने एक सभा की। इस सभा में जम्मू कश्मीर के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के अलावा राजद, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, आम आदमी पार्टी सहित इंडिया ब्लॉक की अन्य पार्टियों के नेता भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने कहा कि मैं 4,000 किलोमीटर पैदल चला हूं, किसी ने नहीं कहा कि अग्निवीर योजना अच्छी है। राहुल गांधी ने कहा, देश में जानबूझकर नफरत फैलाई जा रही है ताकि आपकी जेब से पैसा निकाला जा सके। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का
बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि सत्ता में आने के लिए भाजपा ने लोगों से झूठे वादे किए, झूठ का प्रचार और लोगों को गुमराह किया। अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने राजस्थान में गरीब लोगों के लिए कई बड़ी योजनाएं चलाई थी, लेकिन भाजपा उन योजनाओं पर ध्यान नहीं दे रही है। अशोक गहलोत ने कहा है कि इसका जवाब जनता लोकसभा चुनाव में देगी। हालांकि आपको बता दूं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह भी है, अभी भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच झगड़ा कम नहीं हुआ है और कांग्रेस के कई बड़े नेता अब धीरे धीरे बीजेपी में जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस हाईकमान अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को लोकसभा टिकट देने के पक्ष में नहीं था, लेकिन एक बार फिर अशोक गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत को लोकसभा टिकट दिलवाने में कामयाब रहे। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।